हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल सारियां नूं। दीप स्टडी कॉर्नर च तुहाडा सारियां दा स्वागत है। फ्रेंड्स, अज अपनी कंप्यूटर की फस्ट क्लास है। इस दे विच आपां एमसीक्यूज़ नूं कवर करना है विद एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, पंजाब के पुराने पेपरां विच हुण तक कंप्यूटर के जिन्ने भी क्वेश्चन पूछे गए ने, मैं तुहानूं सारे के सारे सीरीज़ विच कवर करवावांगी। अज मैं टोटल 10 क्वेश्चनस ले ने, इस नूं आपां एक्सप्लेन करते हुए चलांगी। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है, इसनों किड़ी भाषा के विचों लिया गया है, तो आड़ी अगे क्वेश्चन है। ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन एंड हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। फ्रेंड्स, ये लातीनी भाषा तो लिया गया है कंप्यूटर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है काउंट करना, समअप करना एंड कैलकुलेट करना। फ्रेंड, जो कंप्यूटर होंदा एक्चुअली की आ, एक प्रोग्राम्ड डिवाइस होंदा जिस दे अंदर सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंदियां जो स्पेसिफिक टास्क नूं परफॉर्म करदियां। यूजर तो इनपुट लई जांदी आ, उहनां दी इंस्ट्रक्शन दे अकॉर्डिंग जो है प्रोसैसिंग करके उहनां नूं आउटपुट जां डेटा जो है रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट उहनां नूं प्रोवाइड कीता जांदा आ। सो एक एवें दी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस होंदा कंप्यूटर दैट परफॉर्म दी कैलकुलेशन। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पितामा किसनों कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसनों बोलिया जाता है? चार्लस बैबेज, हरमन हॉलरिक, जॉन वॉन न्यूमन और एलन ट्यूरिंग। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चार्लस बैबेज। जो चार्लस बैबेज है, ये इकॉन ने, मैथमैटिशियन ने, इन्हों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता। क्यों कहा जाता? बिकॉज 1820 के अंदर इन्होंने की किया, एक मकैनिकल कैलकुलेटर है, एक डिफरेंस इंजन है, उसनों डिवेल्प किया। डिवेल्प किया एक मकैनिकल कैलकुलेटर एंड एक डिफरेंस इंजन इन्होंने डिवेल्प किया। एक्चुअली 1819 इस स्टार्ट किया, कंप्लीट होया 1822। एक इस चीज़ के प्रिंसीपल के उपर बेस्ड से, मॉडर्न इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के प्रिंसीपल के उपर बेस्ड है। जो इंजीनियर से उन्होंने जो फस्ट कंप्यूटर बनाया से, डिवेल्प किया, उसके कंप्यूटर की जो प्रोटोटाइप है किस चीज़ के उपर बेस्ड सी, वो चार्लस बैबेज के कॉन्सैप्ट उपर बेस्ड सी, इसलिए उन्होंने जो है कंप्यूटर का पितामा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉडर्न जो कंप्यूटर है उन्होंने पितामा किसनों कहा जाता, ये तो सिंपल कंप्यूटर का फादर अगर पूछा जाए तो चार्लस बैबेज आएगा। अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की गल की जाए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो तुहाडा आंसर की होगा उत्थे एलन ट्यूरिंग। ये भी तुसी याद रखना। एंड जो हरमन हॉलरिक से, इन्होंने की ये कौन सीगे? इन्होंने पंचड कार्ड डिवेल्प किया। क्या किया? पंचड कार्ड डिवेल्प किया। अगर अपन जॉन वॉन न्यूमन की गल करिए, इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सैप्ट दिता से, कॉन्सैप्ट डिवेल्प किया। किस चीज़ का कॉन्सैप्ट डिवेल्प किया? इन्होंने डेटा नू स्टोर करन दा, डेटा नू स्टोर करन दा, अते जो स्टोर्ड प्रोग्राम सी, जो स्टोर्ड प्रोग्राम सी उन्होंने कंप्यूटर की मैमरी विच स्टोर करन दा जो कॉन्सैप्ट है, कि जो प्रोग्राम जो है एंड डेटा है उन्होंने कंप्यूटर की मैमरी विच स्टोर किया जाऊगा, एक कॉन्सैप्ट जो किसने दिता सी, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिता सी। कदों दिता सी? 1945 तो 52 दे विच एक कॉन्सैप्ट इन्होंने दिता सी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह पहला केड़ा कंप्यूटर सी जो इन्ना कैपेबल सी कि वह डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नू मैमरी के अंदर स्टोर कर पाता सी। अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, फर्स्ट कंप्यूटर जो कैपेबल सी, किस चीज़ दे कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो फ्रेंड्स वो केड़ा सी? एड सैक। अति इसनों कदों डिवेल्प किया गया से? 1946 to 52। ये भी तुसी पॉइंट्स के बारे याद रखना। फ्रेंड्स, ये मैं PDF के अंदर इन्होंने पॉइंट्स नू ऐड कर दाँगी, तुसी उत्थों रीड कर सकते। हु अमंग द फॉलोइंग डिवेल्प एनालिटिकल इंजन। इन्हों किसने जो एनालिटिकल इंजन है उसनों डिवेल्प किया?
डेनिस रिची, हरमन हॉलरिथ, चार्लस बैबेज, जॉन वॉन न्यूमन। फ्रेंड्स ये किया चार्लस बैबेज ने, इन्हों ही फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता, एनालिटिक इंजन के नाल नाल डिफरेंस इंजन जो है उसनों भी डिवेलप किया। फ्रेंड जो डिफरेंस इंजन है किस परपज लिए यूज किया गया सी, इक्वेशंस नू सॉल्व करने लिए एंड जो मैथमेटिकल टेबल होंगे आ उन्हां दी फॉर्म दे विच रिजल्ट नू प्रिंट करवाने लिए, जो भी इक्वेशन सी उन्हां नू सॉल्व करता सी एंड जो भी रिजल्ट होंगे सी उन्हां नू एक मैथमेटिकल टेबल दी फॉर्म दे विच प्रिंट करवाते सी। डिफरेंस इंजन जो किसने डिवेलप किए सी, चार्लस बैबेज ने। एंड जो एनालिटिकल इंजन है इसनों भी डिवेलप किसने किया सी, चार्लस बैबेज ने। जो एनालिटिकल इंजन की सी एक फर्स्ट जनरल परपस कंप्यूटर सी, फर्स्ट जनरल परपस कंप्यूटर सी। एंड इसनों कदों डिवेलप किया गया सी, 1834 दे विच, 1834 टू 71। फ्रेंड्स तुहाडे लई क्वेश्चन ए आ, तुसी दसना कि पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर केड़ा सी, पहला कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम कमर्शियली अवेलेबल होया सी वह केड़ा सी, उसका तुसी नाम दसना कमेंट सैक्शन के अंदर। फ्रेंड्स जो डेनिस रिची कौन सी, इन्होंने सी लैंग्वेज नू डिवेलप किया सी, सी लैंग्वेज दे डिवेलपर कौन सी, डेनिस रिची। यूपीएस स्टैंड फॉर, फ्रेंड जो यूपीएस है इसकी फुल फॉर्म दसनी है तुसी की सी, चार ऑप्शन तुहाडे अगे ने। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अ यूपीएस, जो यूपीएस होंदा इन्हां विचों दसना तुसी की काम करता, कि इस दे नाल जो है स्टोरेज कपैसिटी इनक्रीज हो जाती है, कंप्यूटर सिस्टम की जो स्टोर करन दी कपैसिटी है, समर्था है कि वह वध जाती है, जां इस दे नाल प्रोसैस करन दी स्पीड वध जाती है कंप्यूटर की, जां फिर जो बैकअप पावर है वह प्रोवाइड की जाती है अगर पावर कट हो जाए, इनकेस पावर कट हो जाए, बिजली चली जाए कि उस टाइम पर इसनों एज आ बैकअप पावर यूज किया जाता, जां फिर इस दे नाल जो इनपुट आउटपुट की स्पीड है वह इनक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक हार्डवेयर डिवाइस होंदा यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक कंप्यूटर के नाल अटैच किया जाता कि जो अचानक बिजली चली जाए, सपोज करो तुसी किसी कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो तुसी कोई प्रोग्राम ही टाइप करते पे हो एंड अचानक बिजली चली जाए, जो रैम के उपर जो चीज़ा विजिबल सी हुण गायब हो जाएंगे, तो जो डेटा सी अगर तुहाडा सेव नहीं किया होया तो लॉस्ट हो जाऊगा, वो सेव नहीं हो पाऊगा, उस टाइम पर लॉस हो जाऊगा। सो इस चीज़ को रोकने के लिए एज अ बैकअप सो दैट तुम बार बार जो है सेम प्रोग्राम को दोबारा टाइप ना करना पवे, जो तुम इंपॉर्टेंट डेटा के उपर वर्क करते पे से लॉस ना हो, अंदर कंप्यूटर की मैमरी के सेव हो जाए, तो उस परपज़ के लिए की यूज़ किया गया, बैकअप पावर के तौर पर यूपीएससी को यूज़ किया जाता वा, जो कि काम करता वा कंप्यूटर नू रन करन दे विच हेल्प करदा कुछ मिनटा तक, सो दैट तुहानू इनफ टाइम मिल जाए किस परपज लई, सो दैट तुसी सेव कर सको अपना ऑल टाइप ऑफ योर डाटा जो है तुहाडा कंप्यूटर दे उपर, तुसी उहनू सेव कर सको एंड जो तुहानू है तुसी अपना डेटा नू की कर सको, गवा ना सको, लूज ना कर। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रैडशीट, स्प्रैडशीट दे विच डेटा किस फॉर्म दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता, जिमें एक्सल हुंदा ना, स्प्रैडशीट की हो गया जो एक्सल है, इस दे विच डेटा किस तरीके ना होंदा, फ्रेंड्स रो एंड कॉलम दे फॉर्म दे विच होंदा। सपोज करो अपने कोल एक एक्सल दी शीट आ, एक्सल दे विच की होंदा वर्कशीट्स होंदियां ने, तां डेटा किस फॉर्म दे विच होंदा, इस फॉर्म दे विच होंदा, एक साइड ते रोज़ होंदियां एंड एक साइड ते की होंदे कॉलम होंदे। रोज़ केड़ियां होंदियां फ्रेंड्स, देखो जो आ वालियां ने ये केड़ियां, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। जो हॉरीजोंटल लाइनस होंदियां फ्रेंड्स ये केड़ियां होंदियां ने, रोज़ जो लेटमी आ हॉरीजोंटल लाइनस होंदियां उन्हों रोज़ कहिंदे आ, एंड जो वर्टिकल लाइनस होंदियां ने, सारियां जो वर्टिकल लाइनस ने इन्हां नू की बोलिया जाता वा, कॉलम्स बोलिया जाता। एंड फ्रेंड्स जो रो एंड कॉलम जिस पॉइंट पर जाके कटते ने, इंटरसैक्ट करते ने, जिन्हों से कहने इंटरसैक्ट करते हैं, देखो आ भी एक रो आ, आ भी रो, कॉलम इंटरसैक्ट करते ने, उस चीज़ को की बोलिया जाता, उसनों बोलिया जाता सैल।
उसनों की बोलिया जाता सैल। देखो हूँ इतनी एक सैल आ, इन्हें मैं हाईलाइट कर देनी हूँ। हूँ जेडे सैल के आले दुआले जो है सैल के अराउंड जो बॉर्डर जो है डार्क हो जाता तो इसका मतलब होंगे कि उस सैल के करंटली वर्क कर रहे हैं उसनों बोलिया जाता एक्टिव सैल। की बोलिया जाता वा एक्टिव सैल। सिंगल सैल दे विच एक्सल दे विच किन्ने जो करैक्टर है टाइप किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आवे तो किन्ने किए जा सकते हैं 32767 32767 3267 करैक्टर जो एक सैल के अंदर एक्सल के अंदर असं टाइप कर सकते हैं, ये भी तुसी याद रखना। एंड ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किन्ने ज़्यादा जो नंबर ऑफ रोज़ होंगे किन्ने नंबर ऑफ कॉलम होंगे एक एक्सल की वर्कशीट के अंदर, तो तुसी याद रखना। देखो जो नंबर ऑफ रोज़ होंगे फ्रेंड्स, पहले तो जो नंबर ऑफ रोज़ होंगे ने कि होंगे ने 65536 65536 जो रोज़ होंगे एंड जो कॉलम्स होंगे वह किन्ने होंगे 256 कॉलम होंगे एक वर्कशीट के अंदर, ये तुसी याद रखना। एंड जो रो है इसनों डिनोट किया जाता है नंबर के नाल, जिमें 1 2 3 4। एंड जो कॉलम है इसनों रिप्रजेंट किया जाता वा लैटरस के नाल अल्फाबैट्स के नाल, जिमें मैं एग्जाम फॉर एग्जाम्पल इतने लिखा A1, इसका मतलब की होगा पहले नंबर पर कॉलम होंगे दूजे नंबर पर होंगे वा रोज़। जो रोज़ होंगे फ्रेंड्स इसनों टपल्स भी बोलते हैं एंड इसनों रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। एंड जो कॉलम होंगे इसनों बोलिया जाता फील्ड, की बोलिया जाता इसनों फील्ड। A1 का मतलब हो गया ए की अपनी ए है अपना कॉलम एंड जो वन है वन की है रो, कि कॉलम नंबर ए रो नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए एक्सेल की जो बाय डिफॉल्ट जो है ओरिएंटेशन है, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन तो केड़ी होंगी आ, वो होंगी आ पोर्ट्रेट एक्सेल दे भी वर्ड दे भी। अगर पावर पॉइंट की आ जाए तो पावर पॉइंट की जो ओरिएंटेशन होंगी वो लैंडस्केप होंगी बाय डिफॉल्ट। एंड जो मैक्सिमम जूम असी कितना कर सकते हैं एक्सेल दे विच स्प्रेडशीट दे विच, स्प्रेडशीट दे विच जो मैक्सिमम जूम किया जा सकता वा 10% मिनिमम तो 400%, 10% तो 400% असी मिनिमम सॉरी मैक्सिमम जूम कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। अगर वर्ड की गल करी जाए वर्ड के विच कितना कर सकते हैं 500%। एक्सेल दे विच ते पावर पॉइंट दे विच दोनों दे विच मैक्सिमम जूम हैगा 400%, ये तुसी याद रखना। तो एक्सेल दे विच जो फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं उसके अगे इक्वल टू का साइन प्लेस किया जाता, ये भी तुसी गल्लां इहदे बारे याद रखनियां। इस तो इलावा जो फंक्शन होंगे आप सैपरेट वीडियो के अंदर कवर करांगे जिवें जिवें क्वेश्चन अपने आते जाएंगे। विच इज़ द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड 2007 फाइल्स, जो MS वर्ड 2007 दी फाइल्स होंदियां उन्होंने जो आप सेव करते हैं तो कि एक्सटेंशन के नाल करते हैं, जो एक्सटेंशन लास्ट विच फाइल नेम तो बाद एड की जाती है बाय डिफॉल्ट कि होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉट डॉक। फ्रेंड्स अगर 2007 देखो आप लिख लें, अगर मैं MS वर्ड की गल करा वर्ड इतने गल करते हैं आप एक्सल की एंड इतने पावर पॉइंट की एंड इतने MS एक्सेस। देखो अगर 2007 की गल की जाए वर्जन 2007 तो वर्ड की जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होंगी डॉट डॉक, अगर एक्सल की गल किया एक्सल की गल की जाए तो यदि होंगी XLS डॉट XLS एंड जो पावर पॉइंट की होंगी डॉट PPT, जो MS एक्सएस होंगे जिदे असं डेटाबेस वगैरह भी बनाने तो उसकी फाइल एक्सटेंशन होंगी डॉट MDB। अगर 2007 तो बाद वाले जिन्ने भी वर्जन 2007 तो अबव सारियां दे लई जो है एक एक्स वर्ड ऐड हो जाता वा, एक एक्सटेंशन ऐड हो जाती है। देखो 2007 तो बाद वाले जिहड़े वर्जन होणगे MS वर्ड दे उहदे विच डॉक दे नाल की लग जूगा एक्स लग जूगी, एंड एक्सल दे विच भी इहदे नाल की लग जूगी एक्स लग जूगी, तो PPT दे विच भी की लग जूगी PPT एक्स। MS एक्सेस के जो 2007 तो बाद वाले वर्जन ने उदे विच की लगेगा उदे विच एक्स नहीं लगेगी, तुसी याद रखना ACCDB।
डी फॉर डीबी स्टैंड फॉर डेटाबेस। फ्रेंड्स ए बी पीपीटी के अंदर मैं एक टेबल की फॉर्म एड कर दूंगी तुहाडे लिए ईजी रहेगा इसनू याद करना। हुण देखो क्वेश्चन इत्थे एम एस वर्ड 2007 वाला आया, तुहानू किसी भी वर्जन का किसी भी चीज़ बारे किसी भी एप्लीकेशन बारे पूछा जा सकता, तुहानू पता होना चाहिए विच स्टेटमेंट इज वैलिड, इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट है जो वैलिड है मीनस करैक्ट है बिल्कुल सही है। इत्थे अपना राइट ऑप्शन की बन जाएगा ऑप्शन नंबर वन, 1 KB इक्वल टू 1024 bytes। देखो आप सारिया यूनिट्स में लिख लें, सब तो पहले जो है एक बिट कि बराबर होगा, अगर आप वन बिट की गल करिए अंदर कोई एक बाइनरी डिजिट आ जाता, की आ जाता बाइनरी का कोई भी डिजिट, जो बाइनरी होंगी एक मशीन लैंग्वेज होंगी जो कंप्यूटर द्वारा रीड की जाती है समझी जाती है, जिदे जीरो होंगी या वन होंगी, जीरो स्टैंड फॉर ऑफ एंड वन स्टैंड फॉर ऑन, जब जीरो हो सकती है वन एक डिजिट होगा तो उसी वन बिट कंसीडर करांगे, अगर ऐदा दे फोर बिट मिल जाए तो उसनों बोलिया जाता निबल, की बोलिया जाता निबल, अगर 8 bits हो जाए मीनस के 2 nibbles हो जाए तो उसनों बोलिया जाता है 1 byte। हम क्वेश्चन आ सकता कि 1 byte किस दे इक्वल होंगी है 8 bits दे इक्वल होंगी, तो याद रखना बाइट तो बाद देखो जो एक बाइट होंगी फ्रेंड्स इक्वल होंगी है, देखो एक बाइट होंगी 8 bits दे इक्वल, हुण एदां दियां ही अगर 1024 bytes मिल जान जान तो बना दिंदियां ने 1 KB, अगर 1024 KB हुण देखो अपना आंसर मिल गया इत्थों 1024 bytes किहदे इक्वल होंदी आ 1 KB दे, उस तो बाद 1024 KB तो बाद की हुंदा 1 MB बन जांदी आ, एंड सेम 1024 MB तो बाद की बनूगी 1 GB बन जूगी, फिर GB तो बाद की बन जूगी, सेम प्रोसैसरेंट चलता रहना, GB तो बाद आ जूगी टैराबाइट, फिर पेटाबाइट, पैटाबाइट बोलो चाहे इसको, GB तो बाद आ जूगी टैराबाइट, फिर पैटाबाइट, फिर जैटाबाइट, एग्जाबाइट, जैटाबाइट एंड जोटाबाइट, MICR स्टैंड्स फॉर, MICR दी फुल फॉर्म दसनी है, इस दी फुल फॉर्म होंदी है मैगनैटिक इंक करैक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर 1 की हो जाएगा अपना सही हो जाएगा मैगनैटिक इंक करैक्टर रीडर, किते जो तुहानू रिकोगनाइजेशन देखने मिल जाएगा तो वह भी आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्हां चो दो ऑप्शन कदे नहीं आते होंगे, जो मैगनैटिक इंक करैक्टर रीडर आऊगा ऑप्शन के, फिर आऊगा मैगनैटिक इंक करैक्टर रिकोगनाइजेशन, दोनों ही सही ने। फ्रेंड्स पहले तो की है इनपुट डिवाइस, की है एक इनपुट डिवाइस आ जिसनों बैंक्स वगैरह के यूज किया जाता, किस परपज लिए यूज किया जाता है, जो सो दैट जो एक पेपर डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्होंने ओरिजिनैलिटी या उन्होंने लैगिटिमेसी है उसनों वेरीफाई किया जा सके, जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी ओरिजिनैलिटी वेरीफाई करने के लिए बैंकों के होंगे बहुत सारे नंबर ऑफ चैक होंगे जो रोजाना उन्होंने प्रोसैस करने पैंते, इसलिए ईज़ करने के लिए सुखाला करने के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता। सो फ्रेंड जो बैंक का चैक होंदा उसके लास्ट विच होंदा कोड होंदा, जिवें IFC कोड होंदा, बैंक का कोड होंदा, चैक नंबर होंदे आ, ये जिहड़े सारे होंदे आ एक स्पैशल इंक दे नाल प्रिंट किते होंदे आ चैक दे उपर, इस स्पैशल टाइप की जो इंक है सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस नाल रीड की जाती है, बिकॉज वो जो इंक होंगी वो जे छोटे छोटे मैगनैटिक पार्टिकल्स होंगे जो इंक के नाल जो ये करैक्टर लिखे होंगे उसको कौन रीड करती है, MICR कितने यूज होंगी है बैंक्स में यूज की जाती है, किस परपज लिए, जो पेपर डॉक्यूमेंट होंगे उन्होंने लैगिटिमेसी वेरीफाई करने लिए जहाँ की ओरिजिनैलिटी वेरीफाई करने लिए, की है एक पेरीफेरल डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन है कंप्यूटर का दिमाग किसनू कहा जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन नंबर 3। CPU की फुल फॉर्म की होंगी फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, इसनों कंप्यूटर का जो दिमाग है पहले तो इसनों प्रोसैसर भी कहा जाता वा,
बिकॉज जिन्नी भी प्रोसैसिंग होंगे जिन्ने भी सर्कट होंगे इंपॉर्टेंट सारे इसके अंदर होंगे। एक ही करता वा इनपुट यूजर तो लेंदा वा उसको प्रोसैस करता फिर वह जो भी डेटा होंगे स्टोर कर देता तो जो फाइनल रिजल्ट है वह भी तो स्क्रीन के उपर डिस्प्ले करवा देता। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होंगी ए एल यू होंगी अरिथमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट होंगी तो इसके अंदर ही एक मैमरी सैगमेंट हों। इस सारी फंक्शनैलिटी जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता इसको प्रोसैसर भी कहा जाता वा। कंप्यूटर का यूजर सीपीयू इंस्ट्रक्शन दिता उस इंस्ट्रक्शनस फॉलो करते हुए सारी प्रोसैसिंग कंप्यूटर करता। पहला जो है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन तो पता लगता कि डेटा है जिसनों प्रोसैस करना वट डेटा कौन सा डेटा जिसनों प्रोसैस करना एंड किस तरीके प्रोसैस करना सारिया इंस्ट्रक्शन जीडिया है कंप्यूटर यूजर तो मिलती हैं। इस सारिया जो है इसी करके इसनों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता बिकॉज इस तो बिना जो है जिन्हें भी प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर असं रन करने की कोशिश करा रन नहीं होगी अगर कंप्यूटर के सीपीयू नहीं होगा। अज के लिए फ्रेंड्स इन्ना ही अच्छ आप टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर तुम्हें तो वीडियो अच्छी लगी तो इन लाइक करना शेयर करना चैनल में सबसक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।